अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक ग्रुप किया था उमरा का 1 नवंबर को। तमाम मीडिया पे भी बात है जी कि उमरा जो है वो ओपन हो गया। उसकी असल स्टोरी क्या है? असल स्टोरी उसकी ये है कि ये एक 531 शिरका की कंपनियों में से एक या दो कंपनी के शिरका ओपन हुए थे, उनके मतलब ऑप्शन ओपन हुई थी वीजा की। तो उसमें से एक कंपनी पाकिस्तान के साथ भी उनका एग्रीमेंट था, तो उन्होंने वो मतलब कुछ सारे जो एजेंट हजरात थे उन्होंने वीजे लगवाए और सऊदी एम्बेसी की मदद से एक ग्रुप आजमाइशी तौर पर गया। अब जो ग्रुप उधर गया है तो उनके साथ क्या प्रोसेस हुआ है, हुआ क्या? एक तो उन्होंने कोरोना रिपोर्ट करवाई एयरलाइन के थ्रू, उधर पहुंचे। जैसे पहुंचे वो मक्का के होटल में 3 डेज के लिए उनको वो करती ना जो कहते हैं आइसोलेशन में रखा गया उनको, और तकरीबन 48 घंटे बाद उनका फिर टेस्ट हुआ। उसमें ये था कि नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना जो था वो होटल में ही प्रोवाइड किया गया। अब 48 घंटे बाद उनका फिर टेस्ट किया गया। उस दिन बारिश भी हो रही थी मक्का में, ये लोग बेचारे खिड़कियों से ही मक्का को देख सकते थे लेकिन एंटर होने की इजाजत नहीं थी। तो 48 घंटे बाद जब दोबारा टेस्ट हुआ तो जबकि सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो फिर उनको एक ग्रुप की शक्ल में उनको उमरा कराया गया। अब जो 3 से 4 घंटे में उमरा हुआ, फिर उनको नमाज पढ़ने के लिए एक एप्लीकेशन है वो यूज करना पड़ी। अब ये उमरा किया, नमाजें पढ़ी, ये जो लोग चले गए फिर मदीना की तरफ। अब मदीना में फिर इनको 3 दिन के लिए रखा गया। फिर उसके बाद ये था कि इजाजत थी, जब मर्जी ये मस्जिद नबी चले जाएं, जब मर्जी नमाज पढ़ें, कोई रोक टोक, कोई इतनी ज्यादा परेशानी नहीं थी तमाम प्रोसीजर के बाद। अच्छा, उन्हीं दिनों मदीना में जब ये ग्रुप था तो 300 बंदों का मलाइशिया के एक ग्रुप आया, उसमें से 4 बंदों के टेस्ट जो थे वो पॉजिटिव थे। अच्छा, इस 4 बंदों के जो चक्कर में जो 300 का ग्रुप था वो सारों का सारा उन्होंने 14 दिन के लिए इनको कर्तीना कर दिया गया, आइसोलेशन आइसोलेट कर दिया गया। अब सारा का सारा ग्रुप 14 दिन के लिए एक होटल में रुकेंगे, वहां उनको खाने पीने का होगा, एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। अब इस पे जो पॉइंट, ये जो चीजें हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट के तौर पर उमरा था, वो रनिंग किया और वो आगे जाकर जो चीजें नजर आई वो नहीं हुआ। वो ये एक खास डिस्टेंस से करना है, 3 से 4 घंटे के अंदर करना है, डॉक्टर साथ होगा, टेस्ट होगा। अब अगर आप देखें माहौल पाकिस्तान में, देखें दुबई में, देखें कहीं भी, अभी ट्रम्प का एक इलेक्शन, जो अमेरिका का इलेक्शन हुआ, ट्रम्प और बाकी जो जलसे किए या जो भी इंतखाबी मुहिम चलाई, अब देखिए कितना रश था लोगों का, कितना रश था, लोग कितने ज्यादा थे। अब चीजें क्या है जी कि अब देखो मस्जिद में जो नमाज पढ़ी जाती है वो हम लोग कहते ना कंधे से कंधा मिला लें, एड़ियां छोटी नंगी कर लें और साथ साथ हो जाए, तो जमात नमाज इस तरह होती है। अब इन्होंने चीजें ऐसी की हैं कि ये नमाज भी हमारी साथ साथ नहीं है, मतलब वो एक डिफरेंट डाल कर किया गया और ज्यादा फर्क ये हमारे मुसलमानों में नजर आया ना कि बाकी चीजों में नजर आया। ये एंड में जो मैं बात करूंगा कि उमरा जो है वो आपका जनवरी में चला गया, ट्रेवल एजेंट रात को भी पता है और आपको सबको भी पता चल जाना चाहिए कि उमरा जो है वो जनवरी से पहले नहीं होने वाला है। अब आगे ये ड्रामा क्या करते हैं, वैक्सीनेशन का ड्रामा करते हैं जो भी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फर्क जो है वो एक तो जिनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी वो थोड़े लो हो गए। मुसलमानों की बात करो, मलाइशिया जिस तरह बंद है, इंडोनेशिया बंद है, लेकिन एक चीज सबसे अच्छी चीज है वो तुर्की ने अपने आप को ओपन रखा। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो जा रहे हैं तुर्की, और तुर्की ही ज्यादा टूरिस्ट पाकिस्तान से जा रहा है दुनिया भर से। लेकिन ये जो मजहबी रसूमात है या रिलीजियस हमारी जो चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। और ये जो सऊदी बादशाह, ये पता नहीं किसकी पैरवी कर रही है, किसको देख रहे हैं। अल्लाह जब चाह कहता है कि जो मैं चाहता हूँ वो होता है, तो अल्लाह चाहेगा तो होंगे ना। ठीक है, हम एहतियाती तदाबीर करें, जब कोरोना के टेस्ट सबके करा लिए गए हैं तो उनको कोरोना, यार उनको फिर तो नमाज पढ़ने दो कट्ठे, जब सारों के टेस्ट नेगेटिव है तो उनको तो नमाज पढ़ने दो। अब जो ये नहीं उमरा, ये नहीं हो रहा ना, अभी आज भी बड़ा मुश्किल, उन्होंने आजाद 2000 बंदों का कर लिया,
लेटेस्ट अपडेट यही है कि उमरा अभी नहीं है, जनवरी तक उमरा होगा। और जो टिकटों के फेयर है वो सऊदी अरब ने 1.25 लाख से ऊपर निकाले हैं, पीआईए 90+ है। तो उमरा भी ओवरऑल अभी जो बन रहा है वो 2.5 लाख से नीचे नहीं बन रहा, क्योंकि 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल चाहिए इसके लिए। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।